धनतेरस का न्यू स्टॉक आ गया है, इसमें देख सकते हैं आप लोग S23 अल्ट्रा वगैरह आया हुआ है। और ओपन बॉक्स कैटेगरी में बहुत सारा फ़ोन आया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं ओप्पो का बिल्कुल डिमांडेड मॉडल ओप्पो का F27 Pro Plus, जो कि IP69 वाटर प्रूफ के साथ आता है। और फिर आप S23 FE देख सकते हैं, जो कि ओपन बॉक्स में आया हुआ है, बिल्कुल अनयूज रहने वाला है, अभी आपका सिम भी नहीं डला है। और भी बहुत सारा मॉडल जैसे कि V40e वगैरह मिल जाएगा आपको, ये भी ओपन बॉक्स में आया हुआ है, इसमें भी फर्स्ट टाइम आप अपना सिम लगाएंगे। ऐसा ऐसा फ़ोन हम लोग सेकेंड हैंड में अवेलेबल करा दिए हैं, बहुत अच्छे प्राइस में आया हुआ है धनतेरस के स्पेशल ऑफर पे। और आईफोन का 16 अपने पास बहुत सारा पीस आया हुआ है, जो कि मात्र आपको 10 बैटरी साइकिल काउंट के साथ मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू रहने वाला है। और जिनको नया चाहिए 0 साइकिल काउंट वाला भी अवेलेबल है। आईफोन 15 प्रो वगैरह भी आया हुआ है और 14 प्रो वगैरह भी है, ईयरबड्स वगैरह भी आया हुआ है। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखते रहें, आपको सबका प्राइस कवर किया जाएगा। फिर सील पैक मॉडल में भी बहुत सारा आया हुआ है, जैसे कि आईफोन का 15 आया हुआ है, नथिंग का CMF 1 आया हुआ है, मोटरोला का डिमांडेड मॉडल जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड होता है अभी G85 का है, जो कि नया में ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है, और IQ वगैरह भी फ़ोन आया हुआ है। सबका रेट आपको लास्ट तक कवर किया जाएगा। जिनको न्यू फ़ोन देखिए, आपको सील पैक आया हुआ है 1 साल वारंटी के साथ, मात्र 7,500 से स्टार्टिंग है अपने पास। धनतेरस में आप नया फ़ोन भी हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे रेट में सब आया हुआ है। APR से जो स्टेशन की ओर जाने वाला रोड है, स्वराजपुरी रोड बोलते हैं, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा ATM है, इसके ठीक बगल में यूनियन बैंक ATM है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारा शॉप है एक्सपर्ट सॉल्यूशन। इस टाइप का आपको बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी गूगल मैप पे भी डला हुआ है। सैमसंग का S23 Ultra आया हुआ है, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन का फ़ोन है। APR का बिलिंग है रिलायंस डिजिटल का, ये आपको अपने यहाँ पे मिल जाएगा मात्र आपको 55,000 का, 55,000 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपको 55,000 में बहुत बढ़िया डील है। S23 FE है, जो कि ओपन बॉक्स में आया हुआ है, टील कलर है, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अभी बॉक्स बस ओपन हुआ है, सिम भी नहीं डला है। मार्केट रेट अभी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे इसका 30,000 रुपये है, ऑफलाइन तो और थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये आपको ओपन बॉक्स में अभी मतलब पूरा आपको 1 साल वारंटी मिलेगा, सिम भी पहला आपका लगेगा इसमें। तो धनतेरस के स्पेशल ऑफर पे आप इसको ले जा सकते हैं, मात्र आपको अपने यहाँ पे 25,000 में अवेलेबल हो जाएगा। ओप्पो का F27 Pro Plus है, जो कि IP69 रेटिंग के साथ फ़ोन आता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है इस फ़ोन का, वाटरप्रूफ फ़ोन है और काफ़ी रगेड स्मार्टफोन है, मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। 128 GB, जो कि 28,000 का मार्केट रेट है, ये आपको 23,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और जो 256 GB वाला वेरिएंट है, उसमें आपको 1 साल प्लस 1 साल और एक्सटेंड किया हुआ है वारंटी, मतलब 2 साल वारंटी मिलेगा, वो आपको 24,500 में मिल जाएगा। तो जिनको जैसा फ़ोन चाहिए वो अपने हिसाब से ले जा सकते हैं, 1500 लगा के 256 GB भी ले जा सकते हैं, और उसमें वारंटी भी 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, वारंटी पूरा आपको इसमें कंपनी का मिलने वाला है। फिर ओप्पो का A79 करके मॉडल आता है, जो कि 18,000 का आता है, यह आपको ओपन बॉक्स में आया हुआ डेमो फ़ोन है, यह आपको अपने यहाँ पे मिल जाएगा मात्र 13,200 रुपये का, वारंटी पूरा 1 साल रहने वाला है। डेमो फ़ोन का मतलब ये होता है कि फ़ोन जो शोरूम में लगता है वो फ़ोन डेमो होता है, आप लोग देख सकते हैं उसमें सारा सीरीज वगैरह बिल्कुल नया रहने वाला है। डेमो का ये मतलब नहीं कि जो यूज़ फ़ोन होगा उसमें देख सकते हैं, आपको सारा सीरीज बिल्कुल ब्रांड न्यू रहेगा, कवर से लेके चार्जर तक बिल्कुल ब्रांड न्यू रहने वाला है, इस फ़ोन को डेमो फ़ोन बोलते हैं। और आपको डेमो में मिल जाएगा ओप्पो का F25 Pro है, जो कि 24-25,000 रुपये का आता था, अभी इसका प्राइस ड्रॉप आया है, ये आपको अपने आप पे 17,000 में अवेलेबल हो जाएगा, वारंटी पूरा आपको 1 साल के आसपास इसमें भी मिलेगा। 17,000 में काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, आपको इसमें भी वाटरप्रूफ का रेटिंग मिल जाता है और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह तो होता ही है। ओप्पो का Reno10 है, जो कि अपने पास 18,000 में अवेलेबल हो जाएगा, Reno10 Pro आपको 19,000 में अवेलेबल हो जाएगा। फिर मोटरोला में Edge 40 है, Edge 40 और Edge 40 Neo दो पीस आया हुआ है। Edge 40 जो कि 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, इसका प्राइस नया में 28,000 रुपये का है, अभी कुछ दिन वारंटी भी इसमें बचा हुआ है, 256 GB वाला वेरिएंट है और वाटरप्रूफ फ़ोन होता है, ये आपको अपने यहाँ पे मिल जाएगा मात्र आपको 17,500 रुपये के रेंज में। फिर मोटरोला का Edge 40 Neo है, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, ये आपको अपने यहाँ पे मात्र 18,000 में अवेलेबल हो जाएगा, इसमें जनवरी तक का वारंटी बच रहा है, जनवरी 2025 तक का। फिर वन प्लस में बहुत सारा मॉडल है, 12R है, 12R आपको 128 GB वाला वेरिएंट है, बिल्कुल डॉटलेस कंडीशन में फ़ोन है, कहीं से भी आपको सिंगल स्क्रैच डेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगा,
128 GB वाला वेरिएंट जो है वो 28,000 में मिल जाएगा, और 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 29,000 रुपये में अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर वन प्लस का 10R है, 10R आपको मात्र 16,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। सब फ़ोन के साथ प्रॉपर बॉक्स चार्जर है। 11R जो कि 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज है वो आपको अपने यहाँ पे 23,500 में अवेलेबल हो जाएगा, 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला। फिर और भी बहुत सारा मॉडल आया हुआ है, जो कि वीवो में बहुत ज़्यादा डिमांड होता है V40, जो कि नया में भी काफ़ी कम मार्केट में मिल पा रहा है, वो हमने अपने पास सेकेंड हैंड में अवेलेबल है। मात्र 1 month का यूज़ है, 11 महीना कंपनी वारंटी रहने वाला है इसमें। इसमें काल जी इसका लेंस है, प्लस आपका बैटरी भी MAH 5500 mAh का बैटरी है, और आपका चार्जिंग वगैरह भी, मतलब फुल पैक्ड फ़ोन है, फीचर्स इसमें भर भर के दिया हुआ है, इसलिए डिमांड इसका काफ़ी ज़्यादा है। पर्पल कलर में आया हुआ है ये, आपको अपने यहाँ पे 28,000 में अवेलेबल हो जाएगा। नया में इसका 35,000 रुपये रेट है, 7,000 रुपये डिस्काउंट में आपको अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। 11 महीना इसमें कंपनी वारंटी बचा हुआ है। वीवो का V40e जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये आपको ओपन बॉक्स में आया हुआ है, सिर्फ बॉक्स ओपन रहेगा, सिम अभी नहीं लगा है। पूरा वारंटी आपको 1 साल मिलने वाला है, मतलब कि मान के चलिए कि 10 दिन के आसपास समझिए कि वो हम लोग के पास स्टॉक रखा रहता है, इसलिए 10 दिन के आसपास इसमें समझिए कम वारंटी मिलेगा। बाकी पूरा वारंटी आपको 1 ईयर मिलेगा कंपनी से, और सिम पहला आपका लगेगा, और सब कुछ अनयूज रहेगा इसका, एसेसरीज वगैरह। ये आपको V40 जो कि 28,000 का मार्केट में आता है वो अपने पास सीधा 5,000-5,000 रुपये डिस्काउंट में आया हुआ, 23,000 में अपने पास अवेलेबल हो जाएगा, 23,000-23,000 रुपये में। फिर वीवो का V30 है, V30 अपने पास 23,500 और 24,000 में अवेलेबल हो जाएगा, 23,000 और 24,000 में अवेलेबल हो जाएगा। V30 अपने पास दो दो पीस है। वीवो का X90 जो कि फ्लैक्सी मॉडल है, इसमें चार्जिंग आपका 120 वाट का आता है, और काफ़ी बढ़िया इसका कैमरा होता है, जिस लेंस से तो बताना ही नहीं पड़ेगा। वीवो का कैमरा वैसे भी जिस लेंस में काफ़ी बढ़िया इसका, मतलब ऑप्टिमाइजेशन रहता है, और एक सीरीज़ का फ़ोन तो काफ़ी बेटर इसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हर चीज़ होता है। ये आपको अपने पास जो कि 60,000 रुपये का नहीं आता है, 29,000-29,000 में अवेलेबल हो जाएगा। फिर वीवो का बजट सीरीज़ में V21e है, जो कि 25,000 का नया में आता था, अभी आपको नया से लगभग 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा। 11,000 में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला मॉडल है। नथिंग का CMF1 आया हुआ है, जो कि डायमेंसिटी 7300 इसमें प्रोसेसर होता है। ये आपको रेनो 12 वगैरह फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 32-33,000 रुपये का फ़ोन आता है, वो आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस आपको बजट सीरीज़ वाले फ़ोन में, नया में भी इसका प्राइस काफ़ी बढ़िया है, तो ये अपने पास बहुत ही रेयरली आ पाया है। अभी इसमें वारंटी अच्छा खासा दो दो पीस आया हुआ है, एक में 10-15 दिन के आसपास का यूज होगा, और एक आपका 2-3 महीने का यूज़ है। ये आपको अपने पास 12,000-12,500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, नथिंग का CMF1 विद चार्जर के साथ। वीवो का V30e है, जो कि 26-27,000 रुपये का आता है नया में। ये आपको डेमो फ़ोन है, वारंटी इसमें अच्छा खासा 10 महीने के आसपास आपको मिलेगा सर्विस सेंटर से। ये आपको 19,500 में अवेलेबल हो जाएगा। और वीवो का T2 Pro जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, और Z7 Pro जो कि दोनों सिमिलर ही मॉडल है, एक IQ के नाम से आता है, एक वीवो T2 Pro के नाम से आता है, फीचर्स दोनों सेम है। 128 GB वाला वेरिएंट है और 256 GB वाला वेरिएंट है। 128 GB वाला वेरिएंट जो आपको अपने पास मिल जाएगा मात्र 15,500 रुपये में। इसमें क्या है, एकदम माइनर सा यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच है, पता नहीं वीडियो में हम दिखा पा रहे हैं यानी, बहुत माइनर स्क्रैच है जो कि पता भी नहीं चल रहा है, अगर हम नहीं बताएं तो पता भी नहीं चलेगा। 15,500 में आपको 256 GB वाला वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगा, जो कि डील वाला फ़ोन कह सकते हैं। और बाकी 128 GB वाला जिनको चाहिए वो आपको 15-16,000 में वो भी मिल जाएगा, और 18,000 तक आपको 256 GB तक बढ़िया फ्रेश पीस भी मिल जाएगा। 16,000-16,500 रुपये में आपको Y200e मिल जाएगा, जो कि डेमो फ़ोन रहने वाला है और ओपन बॉक्स में भी आया हुआ है। 16,000 और 16,500 में Y200e मिल जाएगा आपको, जो कि बिल्कुल नया रहने वाला फ़ोन है, और पहला सिम आपका लगेगा, इसका सिक्योरिटी पूरा मेरा रहेगा। और रेडमी का 13 5G करके मॉडल आता है, वो आपका 9,500 रुपये में रेडमी का 13C 5G आ जाएगा 13C 5G है, जो कि 13,000-13,500 का फ़ोन आता है। ये आपको 9,500 में 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है, जो कि 9 महीने के आसपास आपको कंपनी वारंटी भी मिल रहा है, बिल्कुल नया फ़ोन है, जिनको भी बजट कम है ये ले सकते हैं। 9,500 में काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, 9 महीना वारंटी के साथ आपको अच्छे कंडीशन में अवेलेबल है। Nord 2T आया हुआ है वन प्लस का, जो कि 16-17,000 का बिकता है। माइनर सा यहाँ पे कैमरा का ग्लास जो है वो टूटा हुआ है, आप 100-200 में मार्केट से चेंज करवा सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में 12,000 में अपने पास Nord 2T, जो कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला मॉडल है और आपका 80 वाट चार्जिंग के साथ आता है, तो बढ़िया डील है, 12,000 में ले जा सकते हैं। एक और फ़ोन है डील वाला कह सकते हैं, ये आपको Reno 6 Pro आता है, जो कि कर्व स्क्रीन के साथ आता है,
12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज है। कुछ भी फोन इसमें चेंजिंग नहीं रहेगा, हर चीज ओरिजिनल रहेगा आपको। ये भी 65 वाट चार्जिंग के साथ आता है। नया में इसका 40-45 हज़ार रुपये का फोन था। 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। बस बैक पैनल आप देख सकते हैं, ये हल्का सा यहाँ पे डिस्कलर टाइप का हो गया है। आप चाहे तो इसमें लेमिनेशन करा के यूज कर सकते हैं। 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, कर्व स्क्रीन के साथ आता है और फास्ट चार्जिंग के साथ ये आपको अपने पास मात्र 12,000 में अवेलेबल हो जाएगा। 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट। और एक फ़ोन आया हुआ जो कि 4G है, आपका जिनका भी बजट कम है वो ये ले सकते हैं, 5,000 में अवेलेबल हो जाएगा। 128 GB वाला वेरिएंट है, इसमें भी आपको डॉल्बी का स्पीकर मिल जाएगा, डबल स्पीकर है डॉल्बी का और प्रोसेसर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है इसमें, स्नैपड्रैगन 665 है। तो बजट में जिनको भी फ़ोन चाहिए ये ले जा सकते हैं, मात्र 5,000 में 128 GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है। आईफोन में बहुत सारा मॉडल आया हुआ है, जैसे कि 15 प्रो हो गया, प्रो मॉडल बहुत ही कम आ पाता है, वो भी इंडियन रहने वाला है आईफोन का 15 प्रो, जो कि आपका APR रिलायंस डिजिटल से लिया हुआ है। अभी वारंटी भी इसमें 10 से 15 दिन का बच रहा है, एग्जैक्ट कितना वो चेक करना पड़ेगा मुझे। बैटरी हेल्थ अच्छा रहने वाला, 90% के आसपास बैटरी हेल्थ रहेगा। ये आपको 78,000 में बिल्कुल डॉटलेस कंडीशन में 15 प्रो इंडियन मिल जाएगा। इसमें इंश्योरेंस भी किया हुआ है, तो अगर चाहे तो आप इंश्योरेंस को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, जो कि एप्पल केयर प्लान होता है, कुछ पैसा देके। फिर आपका आईफोन का 14 प्लस अपने पास दो दो पीस आया हुआ है, जो कि 40,000 से स्टार्ट हो जाएगा, 40,000 से 14 प्लस, जो कि मार्केट में 14 बेच रहे हैं लोग, उतने में हम 14 प्लस आपको मिल जाएगा 40,000 रुपये के रेंज में। आईफोन का 13 जिसका बैटरी हेल्थ 89% के आसपास है, वो आपको 33,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, और 34-35,000 रुपये तक का भी है। अलग अलग कंडीशन का अलग अलग रेट है और कलर के हिसाब से भी रेट होता है, तो अपने हिसाब से दुकान पे आके आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। 12 अपने पास 22,000 से 25,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, दो तीन पीस है और भी पीस उधर लगा हुआ है तो दिखा नहीं पाए जगह क्योंकि बहुत कम है यहाँ पे। 16 अपने पास दो दो तीन तीन पीस आया हुआ है, ओपन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसका बैटरी साइकिल काउंट 0 रहेगा, मतलब सिम आपका पहला लगेगा, फिर वाईफाई एक्टिवेट हो सकता है। ये आपको मात्र अपने यहाँ पे 68,000 में मिल जाएगा। 80,000 का फ़ोन होता है, 68,000 में अपने पास अवेलेबल हो जाएगा, मतलब कि नया फ़ोन ब्रांड न्यू, जिसका बैटरी साइकिल काउंट 0 रहने वाला है, पहला बार आप चार्ज लगाइएगा, पहला बार आपका सिम लगेगा, वैसा फ़ोन में 12-12,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। और जो फ़ोन आपका 15 से 20 दिन का यूज है वो आपको मिल जाएगा 66,000 रुपये में। 2,000 रुपये और बचाना है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, और फिर जिनको ब्रांड न्यू चाहिए वो 68 में हमारे पास से ले जा सकते हैं। 15 अपने पास 45,000 से स्टार्टिंग हो जाता है और 48-50,000 रुपये तक जाएगा, डिपेंड करेगा बैटरी हेल्थ और कंडीशन के ऊपर। 48,000 रुपये 50,000 रुपये तक में आपको 15 मिल जाएगा। और सील पैक में भी काफ़ी सारा फ़ोन आया हुआ है, आपको दिखाते हैं। सील पैक में भी धनतेरस के वजह से हम लोग सील पैक भी बहुत सारा फ़ोन मंगाए हैं, जिनको मतलब कि बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन ले जाना है वो ये सब ले जा सकते हैं। मात्र 7,500 में नया फ़ोन हो जाएगा, 1 साल वारंटी के साथ, जो कि मार्केट रेट 8,500 रुपये होता है। 7,500 में Y18 करके मॉडल आता है, 7,500 में अवेलेबल हो जाएगा। फिर रियलमी का 13 प्रो है, जो कि अपने पास 22,500 में अवेलेबल हो जाएगा। रियलमी का 13 प्रो जो कि 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है, ऑनलाइन इसका कभी 26 कभी 28,000 रुपये रेट होता है। तो नया फ़ोन में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, गिफ्ट के चक्कर में इधर उधर जाके मत फंसें, आपको रेट देखें और कंडीशन देखें फ़ोन का। आपको 100-200 का गिफ्ट अगर इसमें आप खरीदने जाइएगा तो 10 पीस भी खरीद लीजिएगा, तो आप गिफ्ट के चक्कर में ना पड़े, आप अच्छे फ़ोन अच्छे रेट पे ले जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे यहाँ से ले जाइए। मोटोरोला का G85 जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, सबसे डिमांडेड मॉडल हम कह सकते हैं, इसका हमेशा कॉल आते ही रहता है, डेली लगभग 10 से 12 कॉल आता है। ये अपने पास सील पैक में आया हुआ है, 17,000 रुपये के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा। G45 वगैरह भी है, Y200E भी है, ये भी आपको नया से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और डिमांडेड मॉडल है V40, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, अभी हम सेकेंड हैंड में भी बताएं, आपको नया में भी अवेलेबल हो जाएगा। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, जो कि मार्केट रेट आपका 37,000 रुपये है, ये आपको अपने पास अवेलेबल हो जाएगा मात्र 32,500 रुपये में। तो देख सकते हैं आप लोग, 4500-4500 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है न्यू सील पैक फ़ोन में, जो कि वारंटी पूरा 1 साल मिलने वाला है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक रहने वाला है, जब से सिम लगाएगा आपका वारंटी मिलेगा। ये आपको 32,500 में अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट से आपको लगभग 4500 रुपये डिस्काउंट में है। तो आप गिफ्ट तो आप समझिए कि 10-10 पीस गिफ्ट खरीद सकते हैं, अलग से कोई बड़ा चीज़ नहीं है। IQ का फिर फ़ोन आया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा 10,500 रुपये में, बहुत सारा फ़ोन है।